जो लोग भी आज भाजपा के नेता कह रहे हैं तो उनको अगर मालूम है कि किस चीज को दबाया जा रहा है वो चीज अभी जाहिर कर दे। सरकार खुले तौर पर आमंत्रित करती है भाजपा नेताओं को कि आप किस स्पेसिफिक चीज की जांच चाह रहे हैं जो आपको लगता है दबा दिया जाएगा। इस बीच में ये घटना घटी है, इसलिए हम लोग और गहराई से जांच करके जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने जब स्वयं निर्देश दिया है तो इसमें किसी के दाएं बाएं करने या किसी को किसी चीज को छिपाने या किसी चीज को दबाने की बात हो ही नहीं सकती है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जोया अब्बास। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने से बिहार सरकार पूरे तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि बीते 4 जून को ये पुल जो है वो गिर गया, जिसके बाद गंगा में जैसे कि सुनामी ही आ गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़े सवाल कर रही है कि आखिर ये पुल कैसे गिरा। इसी कड़ी में अब नीतीश कुमार के बेहद ही भरोसेमंद माने जाने वाले विजय चौधरी ने अपना पक्ष रखा है। उनका साफ तौर से कहना है कि ये पुल पहले से ही बहुत कमजोर था जिसकी वजह से ये पुल गिर गया। सबसे पहले आप सुनें कि क्या कुछ कहा है विजय चौधरी ने। ये तो इसको तो इससे और ज्यादा संवेदनशीलता क्या हो सकती है। जिस दिन घटना घटी है उसी दिन शाम में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया, विभाग को निर्देश दिया। इस विभाग के मंत्री भी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने और अपर मुख्य सचिव ने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को सारे वस्तु स्थिति की जानकारी दी कि वो पुल शुरू से कमजोर बना था, जैसा कि जांच में ही आया था। पहले भी कुछ एक दुर्घटना हुई थी और 2-4 जो पिलर्स थे उसको विभाग ने ही स्मैश भी मतलब उसको तोड़ा था, तो उसमें सही मजबूती उसका नहीं दिया गया था। ये तो बात तो स्पष्ट है और सरकार ने कहा है कि संवेदक हो या जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये तो स्पष्ट है। उसके लिए तो तरीका होता है, जैसे पिछले बार जो पाया ध्वस्त हुआ था उसको एजेंसी के कॉस्ट पर ही दूसरा बनाया गया था, इसलिए वो तो पूरा उसका कितना फाइनेंशियल लॉस या डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट करके उसकी लायबिलिटी फिक्स करके फिर उसको कंपनसेट करने का सरकार के लिए भी तरीका बनाया जाए। सर, ये जो जांच की बात हो रही है इसमें साफ तौर पर चाहे आपके पार्टी के विधायक हों या फिर बीजेपी के लोग, ये कह रहे हैं कि जो अभी जांच कमेटी बनी है उसके इतना जांच कराया जाए, चाहे वो सीबीआई जज हो, रिटायर्ड जज हो या फिर सीबीआई। आज का जो अपर मुख्य सचिव है उन्हीं पर वो आरोप लगा रहा है। देखिए, ये बात कोई कहे, चाहे भाजपा के नेता कहें या कोई हमारे दल के कहें या कल किसी दल के कहें, ये किसी दल के कुछ कहने की बात नहीं है। और विभाग जब स्वयं कह रही है जो हाँ इसमें गड़बड़ी पाई गई थी और हम लोग उन गड़बड़ियों के परिप्रेक्ष्य में आगे जांच ही कर रहे थे, इस बीच में ये घटना घटी है, इसलिए हम लोग और गहराई से जांच करके जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने जब स्वयं निर्देश दिया है तो इसमें किसी के दाएं बाएं करने या किसी को किसी चीज को छिपाने या किसी चीज को दबाने की बात हो ही नहीं सकती है। और जांच होने जाने दीजिए, तब जो लोग भी आज भाजपा के नेता कह रहे हैं तो उनको अगर मालूम है कि किस चीज को दबाया जा रहा है वो चीज अभी जाहिर कर दे। सरकार खुले तौर पर आमंत्रित करती है भाजपा नेताओं को कि आप किस स्पेसिफिक चीज की जांच चाह रहे हैं जो आपको लगता है दबा दिया जाएगा, वो चीज आप लाइए, उस पर सरकार जांच करा के पूरी उसकी सूचना सार्वजनिक कर देगी। जो मौजूदा विभागीय प्रधान सचिव है उनकी जांच से संतुष्ट। अभी जांच जो घटना होती है, जांच जो वहां पर स्थिति होती है, कंस्ट्रक्शन होता है उसके मटेरियल से लेके उसकी जांच होती है ना। अब एक व्यक्ति की क्या जांच होती है, उनकी भूमिका। हमने पहले ही कहा ना
कि कहने वाले कौन है, वो चेहरा देख के आप लोग क्यों इस तरीके से बात करते हैं? फैक्ट पे ना बात करिए कि चेहरा देख के कोई आदमी बोल रहा है, इससे उस बात का वजन बढ़ जाता है, और कोई दूसरा बोल रहा है तो घट जाता है। कि बात का वजन होता है, जो बात कैसी है। लेकिन सर, तो साफ तौर से आप सुन रहे थे विजय चौधरी को, उनका कहना है कि ये पुल बेहद ही कमजोर था जिसकी वजह से ये पुल गिर गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन सारे लोगों पर जो इस पुल के गिरने में जिम्मेदार हैं, उन पर एक्शन जल्द से जल्द लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे फोर्स बिहार झारखंड के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।